देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड इवनिंग सर। सर पंजाब में बीएड नॉन अटेंडिंग होती है। देखिए ये कैंसर या ये बीमारी जो है सारे इंडिया में फैले हुए कम से कम 10 साल हो चुके हैं। अब कोई भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट इससे वांछित नहीं है, तो इससे हमें बचना है। इसको यूज करने की बजाय आप मेरे ख्याल में लर्निंग की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि लर्निंग ने काम आना है, ना मार्क्स ने ना डिग्री ने। हाँ आना है एंट्रिंग की, एंट्री जब होगी जॉब की। तो आपका आंसर ये है कि नॉन अटेंडिंग का कैंसर या एड्स सारे इंडिया में फैली हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, और मेरे ख्याल में शायद ही कोई कॉलेज होगा, मतलब ये कह लूं अगर आप हमें जनरलाइज करना है तो ये कहा जा सकता है हर स्टेट के लगभग 90%, इंडिया के 90%, और हर स्टेट में आप लेके चलो कि 70 से 90% कॉलेजेस में ये बीमारी लगी हुई है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इस बार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने या पंजाब गवर्नमेंट ने या दूसरी यूनिवर्सिटी गुरु नानक या पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्टेप्स उठाए हैं, इंस्पेक्शंस रखी हैं, स्टाफ की रखनी है। अगर स्टाफ कम है तो, नॉट एलिजिबल है तो पॉसिबिलिटी है कि उस कॉलेज में जो एडमिशन है या उस कॉलेज को नुकसान हो, या उस कॉलेज में जो नॉन अटेंडिंग है उनको फाइन लगे। तो वो फाइन जो है नेचुरली है, मैनेजमेंट ने तो कभी देना नहीं है, वो बच्चों को ही अल्टीमेट पढ़ाएगा। दैट इज वाई अगर आप पंजाब में सोच रहे हो तो मेरे मुताबिक मेरा डाटा मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि आप इस कंसेप्ट में आप इस वक्त रिस्क में हो, तो आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि आप जैसे अटेंडेंस 75 है, 80 है, 70% है, तो उतना प्रिंसिपल के हाथ में 5% की होती है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो पर ये आप सोचो कि आप लगातार नहीं आना और आप जॉब कर रहे हो, तो ऐसी नॉन अटेंडिंग जो है उसके लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है नवनीत कौर कमेंटेड, थैंक यू सर सो मच गिविंग आंसर। आई हैव डन मास्टर्स इन हिस्ट्री, ऊपर कर लें इसको, आई हैव डन मास्टर्स इन हिस्ट्री, गुड, एंड इन बी ए इन जर्नल इंग्लिश, नॉट इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री इलेक्टिव हो गई, सोशियोलॉजी एंड इलेक्टिव पंजाबी। ये देखिए आपका सोशियोलॉजी और हिस्ट्री जो है ये बन गया SST, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इलेक्टिव पंजाबी आपने पढ़ी है, दैट इज वाई SST पंजाबी इज योर बेस्ट कॉम्बिनेशन। बट इन बी एड आई वॉन्ट टू चूज इंग्लिश एज ए मेजर एंड साइड बाय साइड आई एम, उड़ाना पड़ेगा इसको, ये रखा और ये कंप्लीट पढ़ेंगे, रीड मोर पर जाएंगे। हाँ दोबारा देखेंगे कि इसको टच करके वो लिखने वाला औजार ले आऊं। अच्छा आई एम अपीयरिंग एडिशनल, आई वांट टू चूज इंग्लिश एज ए मेजर सब्जेक्ट। देखिए आप नहीं चूज कर सकते, इंग्लिश एज ए मेजर सब्जेक्ट उनको मिलेगा जिनकी ऑनर जो है इंग्लिश में है, आपकी ऑनर नहीं है इंग्लिश में, दैट इज वाई ये आप नहीं चूज कर सकते। दूसरी बात आप ये सोचिए कि इंग्लिश के आपने टीचर बनना है, वो मेजर हो माइनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने 3 साल पढ़ा हो जहां एडिशनल दिया हो, और आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हो ना जनरल ना हो, तो ये कंडीशन गवर्नमेंट जॉब की है। साइड बाय साइड आई एम अपियरिंग इन एडिशनल पेपर ऑफ इलेक्टिव इंग्लिश, ठीक है। बीए फर्स्ट, जस्ट वॉन्ट टू नो शेल आई चूज इंग्लिश एज ए मेजर और नॉट, नहीं आप नहीं चूज कर सकते क्योंकि आपने अभी एक एडिशनल दिया है, रिजल्ट भी नहीं आया, तो ये 3 साल के आपने देने हैं बीए के। एडिशनल जो है ना बीए फर्स्ट है, बीए सेकेंड है और बीए थर्ड है, तीनों के देने हैं। और इफ आई चूज इंग्लिश एज ए माइनर सब्जेक्ट देन विल आई बी एलिजिबल ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर और नॉट। हाँ आप माइनर चूज करते हो, ये बहुत अच्छी बात की आपने, वेरी गुड। अगर चूज करते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तब एलिजिबल हो जाओगे अगर आप बीए फर्स्ट, बीए सेकंड और बीए थर्ड के एडिशनल इंग्लिश के एग्जाम पास कर लोगे, 55 से ज्यादा ले लोगे, ठीक। काइंडली गाइड मी, ये आपकी गाइडेंस है। आपको करना क्या है, आपको SST को नहीं छोड़ना, और आप इंग्लिश का आपका पैशन है आप ये लीजिए।
अगर आप इमीडिएट एलिजिबल बनना चाहते हो तो कुछ भी नहीं, वो तो आप मेरे ख्याल में एसएसटी पंजाबी लेके बाद में पेडागोजी ऑफ एडिशनल आप दे सकते हैं, एडिशनल बीएड में एक होगा, बीएड में एडिशनल इंग्लिश का, इंग्लिश पेडागोजी का, ये पहले एलिजिबल हो गए एसएसटी के लिए, फिर पंजाबी के लिए एलिजिबल साथ साथ में हो गए, और बीएड करने के बाद आपका बीएड का इंग्लिश का हो गया, और उससे पहले आपने जो है ये कर लिया ये एडिशनल पेपर, ये बेशक साथ साथ में भी कर सकते हैं, एडिशनल दे दिया, जब ये बीएड में एडिशनल दे दिया और ये तीन साल का आपने पढ़ लिया, फिर आप एसएसटी के लिए पंजाबी के लिए इंग्लिश के लिए हो गए। हाँ, अगर आप पंजाबी की तुलना में इंग्लिश को आगे रख रहे हो, यहां दिखाई जो दे रहा है, तो आपको पंजाबी की जगह पर एसएसटी इंग्लिश ही लेना चाहिए, साइड बाय साइड एडिशनल पेपर दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पीयू से, पीयू मीन आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो सर, अगर कोई पीयू से पीएचडी कर रहा है तो उसके साथ बीएड कर सकता है? देखिए, पीएचडी दो तरह से होती है, एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोई पीएचडी नहीं होती, डिस्टेंस है ये कोई नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्ट टाइम करते हैं। पार्ट टाइम में आपने कोई अटेंडेंस नहीं लगती आपकी, ओके, तो फुल टाइम में आपकी अटेंडेंस लगती है। तो जब आप पार्ट टाइम कर रहे हो पीएचडी, अगर पार्ट टाइम पीएचडी है आपका आंसर ये है, तो आप बीएड रेगुलर कर सकते हो साथ में। सर, 30 अगस्त को कॉलेज में जाना होगा जो वो कॉलेज हमें चूज किया है? हाँ, वो अलॉट करेंगे आपको कॉलेज, तो जिस कॉलेज में आपने प्रेफरेंस भर दी है, प्रेफरेंस भरने के बाद आपको यूनिवर्सिटी जो कॉलेज अलॉट करती है, तो उस कॉलेज में आपको 3 दिन में 4 दिन में जितने भी दिन वो कहते हैं उसमें रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो वो सीट खाली मानी जाएगी, आप नेचुरली है कि नेक्स्ट काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हो, लेकिन अगर आप वहां फीस सबमिट करवा देते हो, वेरिफिकेशन करवा देते हो, और उसके बाद आप चाहते हो कि मैंने इस कॉलेज में नहीं रहना, जहां ये कॉम्बिनेशन चेंज करने है, कॉलेज चेंज करना है, तो वो शिफ्टिंग के लिए 1000 लगता है, ऐसे भी पॉसिबल है, घबराने की जरूरत नहीं। ओके, बहुत बहुत थैंक्स सर वीडियो बनाने के लिए, बहुत 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 पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपने ही शायद सुजेस्ट किया था, थैंक यू आपका। सर, मैं एमकॉम कर ली है, अब मैं बीएड कर रही हूँ, तो साथ में पीएचडी कर सकती हूँ? दोबारा 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 क्या है? फर्स्ट आप, सर मैं एमकॉम कर ली है, एमकॉम हो गई कंप्लीट, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं बीएड कर रही हूँ, ठीक है, तो आप कॉमर्स में साथ साथ में पीएचडी करना चाहते? हरप्रीत जी कह रहे हैं थैंक यू सर, बट आई थिंक एक टाइम पे एक कोर्स ही बेटर रहेगा, और कोर्स में दोनों को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे, और दोनों की आधी और नॉलेज, ये बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि अगर रियल में चल रही है दोनों, तो रियली बहुत अटेंशन है, अगर दोनों नकली चल रही हैं, है ना, तो रिलेटिवली ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से जो प्रोग्राम होते हैं वो फ्लेक्सिबल और इजी बन जाते हैं, क्योंकि आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो, 3 की जगह इस बार मैंने 2 पेपर देने हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दैट इज वाई जब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से आप लर्न कर रहे हो, तो 2 साल का कोर्स है वो आपको 4 साल देते हैं, इग्नो जो है 2 साल के कोर्स को 4 साल देगी, दैट इज वाई यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। उस केस में ये आपका थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, आप एडजस्टमेंट कर लेते हो, किसी सेम के 4 पेपर हैं, आप कहते हो यार 2 इस बार दे दूंगा, नेक्स्ट सेम के भी 4 थे, आपने कहा यार 3 दे हो रहे हैं, बीएड का भी कुछ नहीं चल रहा, अभी पेपर नहीं है, वो आपकी पर्सनल ऐसे सेटिंग है, तो लास्ट में जो बचते हैं 2 साल के बाद 3रे साल बाकी जितने पेपर है इकट्ठे भी दे सकते हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा आसान हो सकता है, बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो टाइम एनर्जी आपकी कितनी है, स्ट्रेस लेवल आपका कितना है, उस पर डिपेंड करता है। सर, अगर ग्रेजुएशन पीयूपी से की हो हुई हो और अब बीएड अब पीयू के एफिलेटेड कॉलेज से करनी हो, तो माइग्रेशन कराने के बाद मुझे एडिशनल कौन सी यूनिवर्सिटी से देने होंगे? देखिए, आपने एडिशनल किसका देना है, बीएड का के बीए का, जहां से आपने बीए की है,
बीए आपने की कहां से की, अगर मैंने ग्रेजुएशन पीयूपी से की है ना, तो आप एडिशनल जो है एडिशनल बीए के आप पीयूपी से ही करोगे। कई यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन दे देती है, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन दे देती है कि बीए वहां से की है, आप हमारे से एडिशनल कर लो। अगर कोई देती है तो वो इंक्वायरी से पता करना पड़ेगा। अगर आप बीएड के करना चाहते हो तो वो आपको नेचुरली, ये भी ऐसी जो है पीयू से आप कर रहे हो ना बीएड, बीएड का एडिशनल करना है यहां तो ये प्रोबेबिलिटी दोनों की खुली होती है। सेम यूनिवर्सिटी से भी आप कर लेते हो, लेकिन 90% सेम से ही प्रेफर की जाती है। जैसे एक बार एक साल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था कि बीएड कहीं से भी की है आप एडिशनल यहां से कर सकते हो, है ना। दैट इज वाई 10% इसको भी दे रहा हूं, कई बार कई यूनिवर्सिटियां अलाउ करती हैं। आपको इन टच रहना होगा, आपको इंक्वायरी फोन पर जो इंक्वायरी नंबर दिया होता है वहां फोन करके आप पूछ सकते हैं कि मैं इस यूनिवर्सिटी की है तो इस साल क्या आप अलाउ करते हो, हर साल शायद नहीं करते। सो मोस्ट आपको सेम से करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आपने ये पूछा था कि बीए एडिशनल आप पीयूपी से ही करनी आपको पड़ेगी। अच्छा आगे है, और क्या मैं वो बीएड के साथ ही दे सकती हूं? ये अगर आपको वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती तो आप दे सकते हो, पर हाँ आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, आपकी माइग्रेशन हुई होगी, नहीं हो सकती आपकी, हाँ नहीं हो सकती। अगर सेम यूनिवर्सिटी में है आपकी, जैसे पीयूपी में ही आप बीएड कर ले हो, वहां से बीए की है तो आपको, क्योंकि माइग्रेशन उसी में है तो एडिशनल अलाउ मोस्टली 90% मार्क के लिए कर देते हैं। नेक्स्ट है, थैंक यू सर, जीएनडीयू यूनिवर्सिटी वी हैव बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर, डिडंट डिफरेंट सब्जेक्ट एज क्यूटी, बट वी हैव स्टेटिस्टिक, बट इफ आई चूज इकोनॉमिक्स एज ए मेजर एंड माइनर वाला तो कॉलेज वाला बता देंगे एज यू सेड अर्लियर, एंड एम ए इकोनॉमिक्स भी हुआ है तो पीजीटी का क्या टेस्ट होता है? अच्छा, आपका मेरे ख्याल में है कि आपका मेजर माइनर है, आपका एमए इकोनॉमिक्स हुआ है, ये कहा है ना आपने एमए इकोनॉमिक्स कहा है, तो इकोनॉमिक्स ऑफ माइनर ले लीजिए। और मेजर आपका कौन सा बन रहा है, मैथ्स कहा है आपने, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर है ना, इकोनॉमिक्स ऑनर है, तो अगर आपने क्यूटी साथ में पढ़ा है, क्यूटी के साथ आपको, ये मैंने वीडियो में शायद बताया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसका मैथ्स नहीं देती, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी इसका मैथ्स देती हैं। और पर आपको एलिजिबिलिटी के लिए जो मैथ्स के एडिशनल एग्जाम ग्रेजुएशन के देने होंगे, तो इसमें आप मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स के साथ लैंग्वेज फिर प्रेफर कर सकते हो। ये उन्होंने देना नहीं, ऐसे मत छोड़िए कॉलेज वालों ने नहीं देना, जब आप फिल कर रहे हो आप जिसकी इच्छा रखते हो या साइंटिफिकली आपके जो सब्जेक्ट बेस्ट बन रहा है वो देखिए कि इकोनॉमिक्स के साथ वहां है, बन रहा है आपको, उस कॉलेज में अवेलेबल है। अगर कॉलेज में माइनर अवेलेबल है जो लिस्ट में लिखा होता है तो वो देंगे, अदरवाइज आपको फिट सेट नहीं होगा वो काम। सर पीजीटी का क्या टेस्ट होता है? पीजीटी का टेस्ट होता है, यस यस एब्सोल्युटली, सब्जेक्ट बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड। फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स के हो, आपने इकोनॉमिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो सारे क्वेश्चन या डोमिनेटिंग क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ही पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप होता है। पंजाब में कितने चांसेस हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए? किसके जॉब, तो जॉब तो गवर्नमेंट से आस है, निकलती रहती है, आस तो रखेंगे, तो ऐसे चांस आस रख सकते हैं कि कितनी है, डिपेंड करता है बाकी गवर्नमेंट की नियत पर क्या करते हैं, जहां पिछले वालों की तरह से। अच्छा, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी, अच्छा सर जी प्लीज टेल मी द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएससी इकोनॉमिक्स विद मैथ्स। ये मैंने वीडियो बना दिया है, हाँ आपने ये वीडियो बनाना है, आप देख सकते हो। गुड इवनिंग सर, सर प्लीज पंजाब में बीएड ऑनर हो, ये बात हो चुकी है। सर मेरे बीएससी इकोनॉमिक्स है, अगर मैं एमए कॉम्बिनेशन में एमए कंप्यूटर ले लिया हूं तो क्या बीएड में, क्या 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 क्या? सर मेरे बीएससी इकोनॉमिक्स है, अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर
ले लूं, क्या बीएड में कंप्यूटर लेने का जॉब में बेनिफिट है, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए कंप्यूटर लेने में एक प्रॉब्लम है कि नॉन बीएड वाले भी कंप्यूटर के लिए एलिजिबिलिटी है, वहां आपका थोड़ा सा हो सकती है। अगर आपने बीएससी इकोनॉमिक्स है, मैथ्स पढ़ा है, आप मैंने अभी वीडियो भी बनाया है, बीएससी इकोनॉमिक्स है ना, बीएससी इकोनॉमिक्स है, तो इसमें मैथ्स मेरे ख्याल में पढ़ा होगा, मैथ्स को आप प्रेफर कीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। तो साथ में इसके अगर आप कंप्यूटर है तो मैथ्स कंप्यूटर मिलता है, ये मिल जाता है, आप उसको प्रेफर कीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा रिप्लाई है उसमें, यहाँ पर तो नहीं आगे कुछ। दैट इज ऑल, थैंक यू, लर्न टू एक्चुअलाइज। बहुत थका था, जो अगर नहीं बोला जाता ये तो थोड़ी रेस्टलेसनेस है, उसके लिए माफी मांगता हूँ, वेरी सॉरी। क्वेश्चन है, सर मेरा बीए फाइनल सेम का रिजल्ट नहीं आया, तब मार्क्स वाले कॉलम विच 00 ही फिल करना है या फिफ्थ सेम दे मार्क्स भर देने हैं और फर्स्ट काउंसलिंग विच एडमिशन हो जाएगी या नहीं। देखिए ये सभी जो स्टूडेंट्स है ग्रेजुएशन का जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, उनके लिए एक मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आप जो ईमेल दिया गया है एड्रेस, वो उस एड्रेस पर आप ये लिखिए कि आप इस यूनिवर्सिटी से और ये एग्जाम हुए हैं लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो काइंडली इसकी डेट एक्सटेंड की जाए। तो नेचुरली आप जहां तो वो डेट एक्सटेंड करेंगे, जहां आपको ऑप्शन देंगे। अगर आप सेकेंड काउंसलिंग में जाते हो तो ये नॉर्मली आपके लिए इनजस्टिस दिखाई दे रहा है, दैट इज वाई आपकी दो चार मेल भी जाएंगी हर यूनिवर्सिटी से, तो नेचुरली है डेट बढ़ जाएगी, तब तक वेट करनी पड़ेगी, जहां इनके लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन वहां जरूर देनी चाहिए। आपका उत्तर ये है कि आप फिफ्थ सेम के मार्क्स नहीं फिल कर सकते, क्योंकि दो चार दिनों में जब कॉलेज अलॉट हो जाना है उसके बाद आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज वालों ने एडमिशन तभी करनी है अगर आपका रिजल्ट जो है आउट हुआ है। रिजल्ट होने से ही आपकी परसेंटेज जो पता चलेगी, एलिजिबल पता चलेगी, जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो आता तब तक आप ये नहीं फिल कर सकते। हाँ, अगर आपकी जो एप्लीकेशन आप भेजते हो, ईमेल करते हो, उसके आधार पर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती कि आप फिफ्थ के सेम के जो है मार्क्स फिल कर दीजिए, तो आप फिल कर सकते हो। अभी आपका फर्ज यही बनता है कि आप यूनिवर्सिटी को अपील करें कि इसका कुछ किया जाए जिनका रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, असी ग्रेजुएशन ऑनर इकोनॉमिक्स नाल कीती है, 3 ईयर मैथ्स ता मैथ्स इकोनॉमिक्स दोनों मेजर सब्जेक्ट ले सिलेक्ट कर सकते हैं, जिमें कि मुझे नहीं पता चला। हेलो सर, असी ग्रेजुएशन ऑनर इकोनॉमिक्स कीती है, नंबर एक ठीक है, 3 ईयर मैथ्स पढ़ा है और वीसी मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स और 3 ईयर ये नहीं बात पता चली नाल कीती है और 3 ईयर मैथ्स वीसी ता मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों मेजर सब्जेक्ट ले सिलेक्ट कर सकते हैं। जे अगर आपने 3 साल मैथ पढ़ा है, 3 साल ही इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बन रहा है क्योंकि 3 साल आपने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स आपको छोड़नी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में ऑनर इकोनॉमिक्स में अगर 3 साल मैथ पढ़ा है, आपका इकोनॉमिक्स मैथ का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जिवें तुसी दस्या सी कि अगर 3 ईयर स्टडी कीती सब्जेक्ट वो इक्वलाइज होंगे एज ए मेजर सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिवें असी ऑनर इकोनॉमिक्स कीती है मैथ्स एम एज मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देखिए आपको इक्वली फायदा है जब आपने मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फिल कर दिया, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको माइनर जो है, मान लीजिए माइनर आपने मैथ्स ले लिया, ये वाला मैथ्स ले लिया आपका, तो उसके बाद बीएड कर रहे हो तब मेजर और माइनर का डिफरेंस खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों आप 3 साल पढ़े हैं, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। दैट इज वाई आप उस कॉलेज जहां पर इकोनॉमिक्स के साथ मैथ मिलता है माइनर, उसको फिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं,
क्योंकि कई कॉलेज विच मैथ्स दिया सीट्स ज्यादा ने एज कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत कम लोग अपियर हुए हैं पिछले उसके हिसाब से, अभी 13,000 के करीब है ना कैंडिडेट, 22,000 सीट्स हैं, तो बहुत सीट्स खाली रहेंगी, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, इस बात को समझ लो ध्यान से आप, कि अगर आपको इकोनॉमिक्स मिल गया है ना, तो आप जो है माइनर जो है उसकी सीट्स वो बढ़ा भी सकते हैं, कॉलेज वाले दे सकते हैं। अगर आपको ये लगता है, आपको टेंशन हो रही है, आप मैथ फिल करके इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड बस आपने आपकी एलिजिबिलिटी बनती हो, अदरवाइज वो डिस्क्रिपेंसी बन जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपके डीएमसी नहीं देखे, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेस पर ये बता रहा हूँ। प्लीज रिसाइसर एज सून एज पॉसिबल, आज लास्ट डेट है, मैं सब्जेक्ट चूज के लॉक करना, मैं अभी करके ये अपलोड कर देता हूँ, ठीक। तो सर जिस कैटेगरी की जीरो सीट है वो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के लिए ही, अगर वही सब्जेक्ट माइनर में हो भी जीरो सीट, मुझे बात नहीं समझ आई। जिस क्या आप ये कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपकी एससी है या ओबीसी है ना, मान लीजिए ओबीसी की इकोनॉमिक्स की वो रिजर्व कैटेगरी में जीरो सीट है, क्या आप ये कह रहे हो, है ना, लेकिन जनरल में उसकी 5 सीट है, मान लीजिए ऐसे कह रहे हो कि जीरो सीट है वो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट के लिए ही, अगर वही सब्जेक्ट माइनर में हो तो भी जीरो सीट ही है क्या? नहीं, तो अगर माइनर सब्जेक्ट कॉलेज आपको इररिस्पेक्टिव टू कैटेगरी दे देगा, माइनर सब्जेक्ट के लिए ओबीसी एससी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी जब एडमिशन हो गई है कॉलेज तो तरस रहे हैं एडमिशन हो जाए, तो उसमें आप जो भी कॉम्बिनेशन उनके पास होना चाहिए तो वो दे देंगे आपको, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मुझे क्वेश्चन आपका समझ आ गया है तो अच्छा, वो तो जीरो सीट ही है या तब हमें मिल जाएगी माइनर सीट आपको मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स मैथमेटिक्स एज ए मेजर एंड एज ए माइनर इज सेम। यस सेम। जॉब के लिए आपको फायदा तब होगा अगर आपने 3 साल मैथ पढ़ा हुआ है, वो माइनर, वेरी गुड, आपने लास्ट में क्वेश्चन क्लियर कर दिया, थैंक यू। पहले तो थोड़ी मुझे एनर्जी लगानी पड़ी थी। मैथमेटिक्स एज ए मेजर एंड ए माइनर सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। जब मेजर सब्जेक्ट है तो ये पक्का है कि 3 साल आपने पढ़ा है जॉब के लिए आप एलिजिबल हो ना, तो अगर आपने माइनर लिया है लेकिन आपने 3 साल पढ़ा है तो भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो। इट मींस आफ्टर ड्यूरिंग बीएड मेजर और माइनर का डिफरेंस खत्म हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने ग्रेजुएशन में उसको कितने साल पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद इंग्लिश लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बी योर बेस्ट, रीड मोर, और भी कर ले, मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? ये देखिए, आपने इंग्लिश लिटरेचर है, कंप्यूटर साइंस, एक तो आप लीजिए टीजीटी, अगर आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हो तो आप कंप्यूटर एंड इंग्लिश इलेक्टिव 3 साल पढ़ी है, दोनों टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक। अगर आप जाते हो पॉलिटिकल साइंस के लिए, फिर आपको अगर एमए पॉलिटिकल साइंस करनी है जहां की हुई है पॉलिटिकल साइंस, तो आप पॉलिटिकल साइंस के साथ इंग्लिश लीजिए, ठीक। अगर कंप्यूटर के साथ पॉलिटिकल साइंस मिलती है इसको मेरे ख्याल में मत प्रेफर कीजिए, ये पुअर कॉम्बिनेशन है। आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन कंप्यूटर और लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस और लिटरेचर। सर अगर मैं मेजर सब्जेक्ट साइंस और माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश रखती हूँ तो इसको पूरा फुल कर ले, यहाँ रीड मोर आ जाएगा। देखिए, इन्होंने ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, 3 साल पढ़ी हुई है, वेरी गुड, एंड इंग्लिश ओनली 1 ईयर है, तो काइंडली हेल्प मी सर, डिस्टेंस एजुकेशन से अगर बीएड करें तो क्या हम टीजीटी के लाइफ एलिजिबल होंगे? देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिस्टेंस से किया है या रेगुलर किया है, वो वैलिड होने चाहिए यूनिवर्सिटी, इतनी बात है।
तो आप इंग्लिश के लिए जा रहे हो, इससे बेटर है कि आप साइंस, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो गए इंग्लिश टीचर के लिए, 1 ईयर पढ़ी होगी आपने, ये आपका गुड कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा साइंस एंड लाइफ साइंस, दूसरा बनेगा साइंस एंड फिजिकल साइंस, ये दो कॉम्बिनेशन आपको प्रेफर करने चाहिए, क्योंकि टीजीटी के लिए यहाँ एलिजिबल हो, पीजीटी के लिए। लाइफ साइंस तभी लेनी है अगर आप बायो की लाइन में किसी ने जाना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, केमिस्ट्री फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने चाहते हो, तो सेकंड वाला आप ऑप्शन ऑप्ट करो। हेलो सर, आई वांट टू नो दैट एमएड एंड एमए एजुकेशन आर सेम और एमए एजुकेशन कॉज एनी डाउट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट, प्लीज रिप्लाई। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक ढूंढ के नीचे दे दूंगा। जो एमएड एंड एमए की इक्वलेंस सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा था, उसमें इसको इक्वलेंस मिल चुकी है। वैसे डिफरेंस ये है कि एमएड इज ए प्रोफेशनल डिग्री और एमए एजुकेशन इज एकेडमिक डिग्री, ये फर्क है। तो आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो बेशक आप यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हो और एमए एजुकेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिए हैं कि इनको इक्वल समझा जाए, दोनों ही कैंडिडेट जो है अपीयर हो सकते हैं उस इंटरव्यू के लिए। उसका लिंक आप देख लेना, वो वीडियो का डॉक्यूमेंट से आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। इज सिलेबस ऑफ बीएड अंडर जीएनडीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस, हाँ बिल्कुल ठीक, सभी बीएड कॉलेजेस में जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, उनका सिलेबस सेम ही होगा। कुलजीत को थैंक यू सर जी, प्लीज टेल मी अबाउट काउंसलिंग की, काउंसलिंग की अभी वीडियो डाल रहा हूँ, नेक्स्ट क्या होगा वो देख लीजिए आप। क्लासेस सर, सब्जेक्ट सर, जो सब्जेक्ट कॉलेज चॉइस फिल करने होंगे ने उस विच अपना सारिया ही फिल करने, नहीं 10 से 10 जरूरी नहीं है 10 से 10 फिल करनी, आप कोई भी फिल कर सकते हो। वापिस चलते हैं, आप कम भी फिल कर सकते हो, ज्यादा भी फिल कर सकते हो, 10 भी फिल कर सकते हो। सर प्लीज टेल मी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएससी इकोनॉमिक्स विद बैंक, इस पर डिफरेंट वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हो, ये रही बीएससी इकोनॉमिक्स विद मैथ, ये वीडियो देख लीजिए। मेरे ख्याल में क्वेश्चन हो गए हैं, थैंक यू। एक वीडियो है कि नेक्स्ट स्टेप्स आपने क्या करने हैं, काउंसलिंग में क्या होना है, उसमें डिस्क्रिपेंसीज का इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी इच्छा हो, आपको ठीक लगे, तो आप देख सकते हो, लिंक नीचे दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।